तोहफों के साथ साथ खाने पर क्या क्या था, आइए जरा आपको दिखाते हैं और बताते हैं, क्योंकि आज व्यंजन पर खास ध्यान रखा गया था। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि जब वो मेजबानी के लिए सामने आते हैं तो हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। ये सब गुजराती मेन्यू, खास तौर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए। खास भाकरी और चपाती जैसी तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं, भाकरी यानी गुजराती व्यंजन, मेथी से बनाए गए व्यंजन, गुजराती कढ़ी, खिचड़ी, बादशाही खिचड़ी, स्टीम्ड राइस भी। तो जैसे आज खास ख्याल रखा गया था कि गुजरात के व्यंजन भी चख पाए चीनी राष्ट्रपति। तो खाने के व्यंजन पर भी, जी हां, आज कह सकते हैं व्यंजन के मेज पर भी जापान और हिंदुस्तान मिले थे, क्योंकि गुजराती व्यंजन भी और साथ ही स्टीम राइस जैसी जापानी खाने का भी इंतजाम। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कल क्या क्या कार्यक्रम है दिल्ली में चीन के राष्ट्रपति का। सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह आयोजित किया गया है चीनी राष्ट्रपति के लिए। 9:30 बजे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। साबरमती के बाद बारी राजघाट की होगी। होटल ताज पैलेस में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से होगी मुलाकात। 11 बजे के आसपास हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की होगी मुलाकात। हैदराबाद हाउस में ही डेलीगेशन लेवल की वार्ता चलेगी। 12:30 बजे हैदराबाद हाउस में समझौते पर दस्तखत, मीडिया स्टेटमेंट्स भी इसके फौरन बाद। 4:00 बजे उपराष्ट्रपति से होटल ताज पैलेस में होगी मुलाकात। 5:15 बजे ताज पैलेस में चीनी राष्ट्रपति का संबोधन। 7:30 बजे राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति से मिलेंगे शी जिनपिंग। राष्ट्रपति भवन में चीनी राष्ट्रपति के लिए भोज का आयोजन किया गया है और फिर 9:20 पर राष्ट्रपति भवन में चीनी राष्ट्रपति के लिए भोज का आयोजन।